जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। अधिकतर ज्योतिषी लोग जो वीडियो बनाते हैं वो अपने रवि यानी कि सूर्य से लेकर शनि तक खूब गुणगान करते हैं, राहु का भी जिक्र करते हैं, लेकिन केतु को अधिकतर लोग जो हैं विद्वान लोग वो एक तरह से बायकॉट कर देते हैं, बहुत कम वीडियो बनाते हैं। तो ऐसे में ये केतु के बारे में आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जय श्री कृष्णा। अधिक विलंब करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा ज्योतिष एकादशी चैनल से। वैसे सभी जो है राहु को एक रहस्यमय ग्रह मानते हैं, जबकि मेरा कथन एकदम विपरीत है। राहु ग्रह जो है ये आपको भ्रम पैदा करता है। यदि कोई बीमार हो जाता है और उसको बीमारी पकड़ने में नहीं आती है तो ये राहु डॉक्टर जो चेक करता है वो उसके भ्रम पैदा कर देता है। इसलिए किसी भी रूप में राहु को रहस्य नहीं कह सकते हैं। राहु हमेशा भ्रम पैदा करता है और राहु है जो हमेशा विलासिता की तरफ जोड़ता है, सुख शांति की तरफ जोड़ता है, सांसारिक सुख के प्रति जोड़ता है, व्यवहार दिखाता है। और ठीक इसके विपरीत जो केतु है, ये केतु का एक स्वभाव यह है कि ये आपको वैराग्य उत्पन्न करता है। किसी भी वस्तु से इसका लगाव नहीं रहता है, ये आपको उससे दूर करता है। इसका स्वभाव यह है, इसको हम दूसरे शब्दों में कैंची के रूप में मान सकते हैं। एक इसको कीड़ा भी कहा गया है, तो ये कैंची के रूप में काटना, केतु का मतलब होता है काटना। तो किस तरह से ये आपके जीवन में कटिंग करता है वो केतु ही करता है। केतु वैसे ऐसा ग्रह है, यह एक संत के रूप में है या एक फकीर के रूप में है और ये आपको जीवन जीने की कला, मोक्ष की तरफ, आनंद की तरफ जो बताता है, उसके अलावा वो सीधा हमेशा ईश्वर को याद दिलाता है, आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ आपको आकर्षित करता है। केतु का ये स्वभाव है कि आप इस माया जाल में नहीं फंसें, वरना मोक्ष की आगे से अपना साधन बना लें। इसलिए केतु को मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ। केतु ग्रह की एक नेचर होती है, ये जब भी देता है तो केतु और राहु अचानक देता है, लेकिन ये जो देता है ये किस तरह से देता है आदमी को पता नहीं लगता। और ये आध्यात्मिक क्षेत्र से जो जुड़े व्यक्ति होते हैं और जो ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करते हैं उनके लिए ये बहुत ही शुभ माना गया है। यदि जन्म पत्रिका में केतु स्थित है, उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को रेमेडीज के रूप में यानी कि उपाय के रूप में एक सलाह दी जा रही है कि वो ज्योतिष से ज़्यादा लगाव करें। जितना ज्योतिष से लगाव करेंगे तो ज्योतिष को हम आध्यात्मिक की तरफ भी मोड़ता है। तो केतु क्या है, आप जब ज्योतिष की तरफ गहनता अध्ययन करेंगे, ज्योतिष से ज़्यादा लगाव करेंगे, तो ऐसे में ये केतु आपको आध्यात्मिक से जोड़ते हुए आपका एक समय ऐसा आएगा कि आपको ज्योतिष से निजात दिलाकर सीधा ईश्वर की तरफ लो लगा देगा। तो अब ये ईश्वर की तरफ जो लो लगाना, मोक्ष दिलाना, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार गुण बताए गए हैं। तो चार में जन्म पत्रिका में भी चार अवस्थाएं होती है, 12 राशियां होती है, चार अवस्थाएं होती है। एक फर्स्ट होता है मोक्ष, मोक्ष जो है वो 1, 5 और 9 को हम इसको बोलते हैं धर्म, धर्म कोण। तो 1, 5 जन्म पत्रिका का लग्न, पहला, पांचवा और नौवा, ये आपका जो कहलाएगा ये धर्म की त्रिकोण कहलाएगा, धर्म की तरफ। मैं सिर्फ अभी मोक्ष की तरफ ध्यान दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। तो ये मोक्ष जो है वो 4, 8 और 12 मोक्ष का जो भाव है जन्म पत्रिका में, मोक्ष त्रिकोण, वो 4, 8, 12 स्थान कहलाता है। दूसरा भाव जो है, दूसरा, 6 और 10 जो स्थान है, ये आपको धन की तरफ अग्रसित करता है ये त्रिकोण। और इसी तरह से 3, 7 और जो 11 होते हैं वो आपको काम की प्रति आगे बढ़ाते हैं। अब जब केतु की बात चल रही है तो केतु की बात चलने के कारण केतु मोक्ष का कारक माना गया है। इसलिए जन्म पत्रिका के चतुर्थ स्थान पर
जिसको हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, अष्टम स्थान पर, या इसको भी हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, तो ऐसे में बारहवें स्थान पर यानी कि जन्म पत्रिका के तीन स्थान महत्वपूर्ण हैं जिनको मोक्ष त्रिकोण भाव कहा जाता है, चौथा, आठवां और बारहवां। चौथा स्थान पर यदि केतु बैठता है तो इसका स्वभाव ये होता है कि ये गुरु के अनुरूप ही इसको तीन दृष्टियाँ देगी है, केतु को तीन दृष्टियाँ, पाँचवीं, सातवीं और नौवीं। सातवीं तो जनरली सभी को देते हैं, लेकिन केतु को जो विशेष दो दृष्टियाँ दी गई है वो पाँचवीं और नौवीं। जब चतुर्थ स्थान पर केतु स्थित होता है तो उसकी दृष्टि पाँचवीं, आठवें स्थान पर पड़ती है, और आठवें स्थान पर जब केतु स्थित होता है तो केतु की जो पाँचवीं दृष्टि है वो बारहवें स्थान पर पड़ती है, ये देखिए आप। और बारहवें स्थान पर जब केतु स्थित होता है तो उसकी पांचवी दृष्टि चौथे स्थान पर बैठती है। तो इस तरह से पांचवी दृष्टि उसकी केतु की जो होती है ये आपको आध्यात्मिक की तरफ ले जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म पत्रिका में चतुर्थ स्थान पर, आठवें स्थान पर या बारहवें स्थान पर केतु होगा, तो ऐसे व्यक्ति के पास चाहे कितना ही धन दौलत हो लेकिन वो गाड़ी, कार, बंगला सब कुछ खरीदने की स्थिति में होता है, उसके बावजूद भी वो खरीद नहीं पाता है। उसका नज़रिया ये रहता है क्या करना है, इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, तो वो महंगे शौक नहीं कर पाता है केतु के कारण। और ज़्यादा ज़्यादा जब ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को मैंने साइकिल पर घूमते हुए देखा है। लेकिन उम्र का पड़ाव जब आगे बढ़ता है, इंसान वृद्धावस्था की तरफ आता है, तब उसको आंखें खुलती है कि हमने हमारा धन का उपयोग जिसमें लग्जरी लाइफ में करना चाहिए था वो नहीं किया, और उसके बाद में वो प्रयास करता है कि मेरे पास कार हो, गाड़ी चलाने के लिए ये तो क्षमता होनी चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है, उसके गति अवरोधक उसके परिवार वाले निश्चित बनते हैं। तो ये केतु का प्रभाव है। केतु जो है ये आपको आध्यात्मिक क्षेत्र के जोड़ने के प्रति, आप ये धार्मिक किताबें पढ़ोगे तो आपको लग्जरी लाइफ की तरफ से एक तरफ हटा देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके चतुर्थ स्थान पे, आठवें स्थान पर और बारहवें स्थान पर केतु होगा यानी मोक्ष कारक होगा, तो ऐसे व्यक्ति यदि अपनी वाणी से, ये शर्त यह है कि केतु दूषित नहीं होना चाहिए, यदि केतु दूषित नहीं होगा तो ये ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से, मुंह से यदि किसी व्यक्ति को श्राप दे तो वो फलीभूत हो जाता है, और किसी व्यक्ति को कह दे आशीर्वाद के रूप में कि जा तेरा भला हो जाए, तो निश्चित तौर पर उसका भला होता है। तो केतु का इतना प्रभाव होता है। केतु जिसके चतुर्थ और आठवें और बारहवें स्थान को हो तो ऐसा व्यक्ति भविष्य के बारे में आराम से बता सकता है, उसके जो भविष्य के बताएगा, क्योंकि वो आध्यात्म से जुड़ा होने के कारण ईश्वर उसकी मदद करता है, इष्ट उसकी मदद करता है। तो ऐसे व्यक्ति के पास यदि आप जन्म पत्रिका लेकर जाते हैं कि साहब हमारी जन्म पत्रिका में क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म पत्रिका के चौथे, आठवें और बारहवें स्थान पर केतु है, तो वो भविष्यवक्ता हो सकता है, और उसकी वाणी से जो निकल गया वो ईश्वर सत्य करता है। तो केतु का इतना अच्छा प्रभाव है। केतु के साथ यदि बुद्ध स्थित हो जाए, तो बुद्ध है, बुद्धि का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति रिसर्च जो करता है अपने बुद्धि विवेक से करेगा, और यदि एक व्यापारी बन जाए तो कुशल व्यापारी हो सकता है, वो व्यापार के अनुसार धन ज़्यादा कमा सकता है। लेकिन केतु के साथ यदि शुक्र स्थित होगा तो शुक्र धन का कारक होता है, केतु दूर करने का कारक होता है, तो ऐसे में ये शुक्र आप उसको लालायत करता है किसकी तरफ, धन की तरफ, और केतु खींचे खींचता है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मैं बहुत अथाह धन कमाऊं, वो लक्ष्य बनाएगा, तो वो उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, शर्त एक है, ऐसा व्यक्ति यदि निर्मोह होकर व्यापार करे कि ठीक है जो दे रहा भगवान वो निश्चित आएगा, ज़्यादा लोभ नहीं करे, कभी ऐसा वो टारगेट नहीं बनाए कि आज मुझे इतना प्राप्त होगा और मैं इतनी ऊँचाई को छू जाऊँगा, वो टारगेट नहीं बनाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को जिसके जन्म पत्रिका के चौथे, आठवें, बारहवें स्थान पर केतु स्थित होगा और शुभ दूषित नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो है
बिना टारगेट के अथाह धन पा सकता है, क्योंकि जो केतु है, यदि मेष राशि, मिथुन और कन्या इन राशि में स्थित हो तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति धन के मामले में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता है और यह ज़्यादा लक्ष्य नहीं बनाता, उसके बाद में भी इसके पास अथाह धन संपत्ति रहती है। यह है केतु के गुण। तो केतु के गुण मैंने आपको बताया। ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक ज़रूर करेंगे तो हमारा आत्मबल बढ़ेगा। हमारा आत्मबल बढ़ाने के लिए आपको लाइक ज़रूर करना है। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक निवेदन, सब्सक्राइब कीजिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। जय श्री कृष्ण।